नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैर के अंगूठे की मोच के बारे में। पैर के अंगूठे की मोच एक बहुत ही आम इंजरी है जिसका सही से डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तो मैं आपको शुरू से बताता हूं कि पैर के अंगूठे की चोट या मोच कैसे आती है। पैर के अंगूठे की मोच तब आएगी जब आपका अंगूठा फोर्सिबली ऊपर की तरफ इस तरह से बेंड हो जाएगा। अगर आपका अंगूठा इस तरह से मुड़ जाता है फोर्स के साथ, तो पैर में अंगूठे में मोच आ जाएगी। ये मोच खास तौर पे रनर्स में, प्लेयर्स में, स्पोर्ट्स पर्सन में ज्यादा आती है। इस बीमारी को इंग्लिश में टर्फ टो बोलते हैं। ये बीमारी आजकल दो कारणों की वजह से ज्यादा कॉमन हो गई है। पहला कारण, अगर आप सिंथेटिक सरफेस पे खेलते हैं जिसको टर्फ बोलते हैं, तो उस पे ये इंजरी होने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि आपका अंगूठा जो है उसमें मुड़ जाता है, तो उसी के कारण इसको टर्फ टो बोलते हैं और उसी के कारण ये इंजरी होने की चांस ज्यादा होती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आजकल थोड़े हाई प्रोफाइल शूज आ गए हैं जो बहुत लाइट वेट होते हैं और जिनके सोल बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो अंगूठे के बेंडिंग को, अंगूठे के मुड़ने को रोक नहीं पाते हैं। तो जितने महंगे शूज होते हैं, फ्लेक्सिबल शूज होते हैं, हल्के शूज होते हैं, पर वो अंगूठे के लिए नुकसानदायक रहते हैं। तो लाइट शूज की वजह से, फ्लेक्सिबल सोल वाले शूज की वजह से भी ये इंजरी का रिस्क बढ़ गया। मैं आपको बता दूं कि ये अंगूठे का जो जोड़ होता है जिसको MTP जॉइंट बोलते हैं, ये आपके शरीर का बहुत महत्वपूर्ण जोड़ है और ये आपके शरीर का करीबन 60% वेट लेता है जब आप चलते हो, और जब आप दौड़ते हो या भागते हो तो ये करीबन 2 से 3 गुना वेट ज्यादा लेता है। तो ये जो जॉइंट है, ये जो जोड़ है, ये आपके एक्टिविटी के लिए और आपकी स्पेसिफिकली अगर आप हाई डिमांड वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, दौड़ना भागना और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये जॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि ये कितने टाइप का होता है, कितने ग्रेड्स का होता है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंजरी जो होती है वो क्यों होती है। तो अंगूठे के नीचे की तरफ इस हिस्से में एक प्लांटर प्लेट नाम का स्ट्रक्चर होता है जो दो टेंडन्स, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस, उनसे मिलकर बना होता है, और वहां पर दो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिसको बोलते हैं सेसामोइड्स, और वो जो निचला हिस्सा होता है अंगूठे का उसको बोलते हैं प्लांटर प्लेट। और जब भी ये इंजरी होती है जिसमें अंगूठा ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, उसमें वो प्लांटर प्लेट को इंजरी होती है। कई बार वो खिंच जाती है, कई बार टूट जाती है, जिसके कारण से पेशेंट्स को ये इंजरी होती है। अब आते हैं इसके ग्रेड्स की तरफ। तो सबसे पहला फर्स्ट ग्रेड इंजरी होती है जिसमें प्लांटर प्लेट्स फटती नहीं है, टूटती नहीं है, पर खिंच जाती है। उसमें मरीज को थोड़ा सा दर्द होता है, सूजन आती है और इस हिस्से में हल्की सी टेंडरनेस होती है। तो अंगूठे के ये भाग में आपको हाथ लगाने पे थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। इसका इलाज बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, बर्फ का सेक करना है, पांव ऊंचा करके रखना है और थोड़ी पेन किलर दवाइयां लेनी है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये तकलीफ ठीक हो जाती है और 2 से 3 हफ्तों में आपको आराम आ जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको रिकवरी करनी है तो ऐसे केसेस में आपको थोड़े हार्ड सोल वाले शूज पहनने चाहिए, एक नंबर वो। और दूसरा, आपको कई बार ग्रेफाइट शू इंसर्ट आते हैं, ये तो कार्बन फाइबर टर्फ तो प्लेट आती है, वो पहन के आप खेलना वापस से शुरू कर सकते हैं। वो क्या करती है कि आपके अंगूठे का जो ऊपर का मूवमेंट है, अंगूठे को ऊपर की तरफ मुड़ने से बचाती है। तो वो जो है आप जूते में लगा के करीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद वापस खेलना शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रेड 2 इंजरी की तरफ। ग्रेड 2 इंजरी जो होती है उसमें आपकी प्लांटर प्लेट जो होती है वो आधी फट जाती है, पूरी नहीं फटती है, खिंचती भी नहीं है, पर आधी फट जाती है। इसको पार्शियल इंजरी बोलते हैं। इसमें दर्द ज्यादा होता है, सूजन ज्यादा होती है। इन केसेस में हम रिकमेंड करते हैं कि आपको एक वॉकिंग बूट दे दें जिसमें आप चल पाओ। पूरा वॉकिंग बूट आता है जिसपे आप चल पाते हो, और खास उसमें ध्यान बात ये रखने की होती है कि आपका जो अंगूठा होता है उसको डॉर्सिफ्लेक्शन, मतलब उसका जो ऊपर होने वाला मूवमेंट है वो हम नहीं होने देते हैं, वो रोक के रखते हैं। क्योंकि अगर वो मूवमेंट हम रोक के रखेंगे तभी जो प्लांटर प्लेट है वो अपनी जगह पर वापस से हील कर पाएगी। ग्रेड 3 इंजरी सबसे सीवियर टाइप की इंजरी होती है जो हाई कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में लगती है, टिपिकली फुटबॉल में ज्यादा होती है। और इस इंजरी में आपके अंदर की प्लेट, जो प्लांटर प्लेट होती है, वो पूरी तरह से फट जाती है। और इस बीमारी के लिए, इस इंजरी के लिए हमें लॉन्ग टाइम का इमोबिलाइजेशन, करीबन 4 से 6 हफ्ते का इमोबिलाइजेशन करना पड़ता है। और ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली प्लास्टर देते हैं पेशेंट को, जो यहां से यहां तक का होता है और अंगूठा पूरा कवर करता होता है।
प्लास्टर हम इस तरह से देते हैं कि अंगूठे का ऊपर वाला मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो, अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ ना जा पाए, वही प्लास्टर हम देते हैं। और ये प्लास्टर लंबे टाइम के लिए रहता है। इस तरह की इंजरी में हम पेशेंट को खेलने के लिए भी लेट अलाउ करते हैं, एटलीस्ट 8 से 12 हफ्ते के बाद हम उसको खेलना अलाउ करते हैं। और अगर इन तीनों इंजरीज में हमको वापस पेशेंट को खेलने के लिए भेजना है तो हमें यह याद रखना है कि पेशेंट का जो अंगूठे का एक्टिव प्लांटर फ्लेक्शन वो 50 से 60 डिग्री आ जाए, मतलब 50 से 60 डिग्री पेशेंट खुद अपना अंगूठा मोड़ पाए, तभी उसको वापस खेलने के लिए हम अलाउ करते हैं, अन्यथा अलाउ नहीं करते। दोस्तों अधिकतर केसेस में ये प्लास्टर से ठीक हो जाता है, परंतु कुछ लिमिटेड ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें ऑपरेशन की या सर्जरी की जरूरत पड़ती है, हम उसकी तरफ जाएंगे। पर पहले हम ये समझ लें कि ये जो तकलीफ होती है जिसको टफ्ट होते हैं ये बोलते हैं, ये पैर के अंगूठे की मोच बोलते हैं, उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ये बीमारी जो है और ये इंजरी जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, डॉक्टर्स को देखते से ही पकड़ में आ जाती है। क्या चीज देखने की होती है, अगर आप अपना पांव खुद से अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करें तो वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्शन, मतलब अंदर की तरफ जो अंगूठा मोड़ते हो उसकी ताकत कम हो जाएगी। ये पहला टेस्ट है। दूसरे टेस्ट में आपका अंगूठा और आपका जो जॉइंट है वो आगे पीछे टर्न होता है, जिसको बोलते हैं हम डॉर्सो प्लांटर फ्लेक्शन टेस्ट, जिसे हम घुटने में लिगामेंट के लिए ड्रॉ टेस्ट करते हैं। ये भी एक तरह का ड्रॉ टेस्ट होता है जो वर्टिकल इंस्टेबिलिटी दर्शाता है, मतलब आपका जो अंगूठा है वो और ये जो जॉइंट है ये आगे पीछे मूव करता है। इस डिजीज को, इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आइडियली हम एक्सरे करते हैं और कुछ केसेस में MRI करवाने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। एक्सरे में हम कई बार छोटे छोटे जॉइंट के पीसेस जॉइंट के अंदर, छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े जॉइंट के बीच में दिख सकते हैं, और कई बार जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पर दो सेसामॉइड हड्डियां होती हैं उनमें फ्रैक्चर भी दिख सकता है और वो ऊपर की तरफ खिसकी हुई भी दिख सकती है। और खासतौर पर जब हम अंगूठे का मूवमेंट करेंगे तो वो सेसामॉइड मूव नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्लांटर प्लेट टूट जाता है तो सेसामॉइड जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए मूवमेंट के साथ, पर वो नहीं जा पाता है। बीमारी का कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए, इंजरी का कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए आपको MRI स्कैन कराना चाहिए। MRI स्कैन से ये डायग्नोसिस एकदम सटीक रूप से पकड़ में आ सकता है। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं बताने वाला हूं कि कई केसेस में हमको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, वो कब पड़ती है, अगर बहुत ही सीवियर इंजरी है, आपके प्लांटर प्लेट पूरी तरह से चीथड़े चीथड़े हो गई है, सेसामॉइड बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई है, सेसामॉइड बोन टूट के ऊपर की तरफ खिसक गई है, सिग्निफिकेंट जो है वो वर्टिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब आपका अंगूठा ऊपर नीचे सिग्निफिकेंट रूप से टर्न हो रहा है, साथ ही साथ अगर जॉइंट का फ्रेगमेंट टूट के जॉइंट के अंदर लॉक हो गया, हड्डी का टुकड़ा जॉइंट के बीच में फंस गया है, ये कार्टिलेज इंजरी ज्यादा सीवियर है तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ अगर चोट लगने के कारण जो अंगूठा है वो बाहर की तरफ टर्न हो गया है, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक हेलक्स वेलगस बोलते हैं, तो भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आशा है इस विषय पे मैं आपकी सारी की सारी जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी आपको ये तकलीफ है और आपको इस विषय में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।